आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत गीत के साथ हुआ। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों में मां सरस्वती जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्राचार्य एसी तिवारी, सांसद आशीष दुबे, मेजर दिलीप अवस्थी, आलोक मिश्रा, रश्मि टंडन मिश्रा, प्रोफेसर मलय वर्मा मंचासीन थे। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर प्रशांत मिश्रा, मनीष अवस्थी, विवेक पाठक, कमर अली, प्रेम शुक्ला, बलराज बिरहा, सुधीर भतीजा, ब्रजेश दुबे ने किया। इसके बाद कोर कमेटी द्वारा सांसद आशीष दुबे को पगड़ी बंधन शॉल श्रीफाल के साथ सम्मान प्रतीक भेंट कर सम्मानित किया गया। आलोक मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रजातंत्र की सबसे बड़ी संस्था के आप सांसद निर्वाचित हुए हैं। इस महाविद्यालय में आचार्य ओशो रसनीश जैसे महान आचार्य ने शिक्षा दी है। बता दें चले आपको, प्रोफेसर की कमी, ई लाइब्रेरी की कमी जैसे अनेक कमी हैं। आपसे आशा करते हैं कि इस ओर ध्यान देंगे आप, जबलपुर को विकास के उत्तम शिखर पर ले जाएंगे। मेरी शुभकामनाएँ हैं आपको। बताते चलें, दूसरे महाविद्यालय को पीएम श्री एक्सलेंस की उपलब्धि प्राप्त हुई, अत्यंत हर्ष का विषय है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस महाविद्यालय को प्रदेश के 55 पीएम श्री महाविद्यालय में महाकौशल को प्रथम स्थान पर आए। आशीष दुबे ने कहा कि आज मैं संस्कार धनी के इस पवित्र भूमि का सदैव ऋणी रहूंगा। मैं आपके बीच आकर बहुत भावुक हो गया हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आप सभी का स्नेह सहयोग कभी नहीं भूल सकता, आप सभी का स्नेह हमेशा याद रखूंगा। मेरा धर्म है कि आपकी अपेक्षाओं को पूरा करना, आपकी अपेक्षाओं को पूरा करना। आप सभी का साथ, मार्गदर्शन, सहयोग चाहिए। आज 35 वर्ष बाद कॉलेज के दिनों की स्मृति ताज़ा हो जाती है। साइकिल स्टैंड के कर्मचारी कमल हो या चुंगी चाय की दुकान, गैदरिंग की मस्ती, सब यादें हो जाती हैं। यादें लगातार संबंध में बनाए रखना, यही जीवन पर साथ रहेगी। कार्यक्रम का संचालन विवेक पाठक ने किया, आभार प्रदर्शन प्रशांत मिश्रा ने किया। इस अवसर पर अमित तिवारी बाबा, ज्योति प्रकाश दुबे, जय सचदेवा, राजेश दीक्षित, प्रशांत कौरव, मनोज तिवारी, संदीप पांडे, राहुल द्विवेदी, सुरेश मखीजा, प्रकाश पटेल आदि लोग मौजूद रहे। आज मेरे लिए भावुकता के क्षण हैं। जिस महाविद्यालय से मैंने शिक्षा अर्जित की, महाकौशल महाविद्यालय, आज मुझे वहाँ पर बुलाकर मेरे पूर्व छात्र, मेरे वरिष्ठ छात्र, मेरे सहयोगी छात्र, मेरे समकक्ष छात्र जो रहे और मेरे से जूनियर भी जो छात्र रहे, उन सब ने बुलाकर यहाँ पर जो एक गरिमा में कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने तो नाम मेरे स्वागत का दिया था, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने आज जो यहाँ स्नेह वर्षा मेरे ऊपर की है, निश्चित रूप से मैं अभिभूत हूँ। तो मेरे लिए आज शब्द नहीं है, भावुकता के क्षण है। और मैं सभी को यहाँ के हमारा जो स्टाफ है, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे पूर्व छात्र, वरिष्ठ और जितने भी हमारे सहयोगी लोग हैं, सबको बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। उन सबका आपके माध्यम से मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और एक पूर्व छात्र के नाते महाकौशल कॉलेज के लिए हमेशा मैं अपने छात्रों के साथ और कॉलेज के विकास के लिए खड़ा हूँ। मुझसे जो कुछ भी आगे बन पड़ेगा, इन सब के सहयोग से, इन सब के जो भी अपेक्षाएं उसको पूरा करने का मैं काम करूँगा। बहुत बहुत आशीष भैया, जिंदाबाद। बहुत ही गर्व और हर्ष का ऐसा है कि संस्कारधामी महाकौशल जौनपुर के नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय श्री बड़े भाई आशीष दुबे जी, जो महाकौशल महाविद्यालय के छात्र थे और वो आज हमारे बीच में सांसद बन के आए हैं। इस अवसर पर महाकौशल महाविद्यालय के समस्त पूर्व छात्रों ने उनका आज इस महाविद्यालय परिसर में भव्य स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम किया गया और उनसे अपेक्षा की है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बच्चों के लिए जो कमियाँ हैं, महाविद्यालय में जो कमियाँ हैं, उनको पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। हमने उनसे बात रखी। आपका नाम? तरुण भाई। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।